हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब। आज मैं कर रही हूँ तैयारी गरम कपड़े रखने की और ठंडे कपड़े निकालने की। देखो ये बैग जो मैं निकाल रही हूँ, इनमें सब में ठंडे कपड़े भरे हुए हैं। इस बैग में बच्चों के डेली वेयर के, इस बैग में है अभय के और उसके पापा के और पायल के जो थोड़े बाहर वाले कपड़े होते हैं। और ये बहुत भारी हो रहे हैं, मैं अकेले ही कर रही हूँ सब काम क्योंकि बच्चों के तो पेपर चल रहे हैं अब। एक बैग ये है, इसमें मेरे हैं और कुछ साहब के भी हैं। ठंडे तो इन तीन बैग में ही आ गए हैं, अब गरम देखना आप। गरम का रखने में कितनी हालत ख़राब होती है। देखो मैंने निकाल लिया ये, अब आ गई हूँ देखो नीचे। अब नहा धो के तब मैं काम करने लगी हूँ। ये मैंने खाली करके सब रख दिए हैं, ठंडे निकाल के इधर साइड में ये रखे सारे। अब वो गरम अब उतारूँगी ऊपर से सारे। देखो ऊपर स्वेटर हैं, सब उतार कर रख दूँगी यहाँ पे और फिर इनमें गरम भर के अलमारी साफ़ करके तब मैं इसमें वो वाले कपड़े लगाऊँगी। सारे निकाल के रख लिए हैं, गरम इधर गरम है उधर ठंडे रखे हैं। मैं इनकी सबकी पहले अच्छे से फोल्ड लगा लूँगी ताकि बैग में लगाने में आसानी हो। शॉल हैं इन्हें मैं सबको अलग अलग पन्नी में करके रखती हूँ ताकि इनमें कीड़ा न लगे, क्योंकि ये कश्मीरी हैं तो इनमें कीड़ा लग जाता है। तो इनको सबको मैं सुखा के अच्छे से प्रेस करके तब रखती हूँ। गंदे हो तो ड्राई क्लीन करा देती हूँ, अगर गंदे नहीं है तो ऐसे ही मैं रखती हूँ। देखो ये मैंने ऐसे इसमें पैक कर दिए हैं पन्नी में। और ये जो सूटों की पन्नी होती है ऐसे सूटों के साथ आती है, इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, सबको रख लेती हूँ। इन्हीं में मैं अपने बाकी भी सारे सोल, देखो दो उसमें रख दिए, तीन इसमें रख रही हूँ। तो ऐसे मेरे सारे सोल पैक हो जाते हैं पन्नियों में अलग अलग। ऐसे ही मैंने सारे पैक कर लिए। ये मेरा ब्लैक कलर का सोल है फैदर का, इसको कम से कम मेरे पास हो गए हैं 18 साल। इसकी चमक आज भी इतनी है जितनी ये जब नया आया था तब थी, लेकिन मैं इतनी ही केयर करती हूँ इसकी। ये मुझे साहब ने गिफ्ट किया था। ये सोलम मनाली घूमने गए थे, वहाँ से लाई थी मैं। ये बिल्कुल प्योर का है। और ये मेरे पार्टी वियर सोल हैं, इन्हें भी मैं सबको अच्छे, ये हम नैनीताल गई थी मैं, वहाँ से लाई थी ये ग्रीन वाला और ये वाइट वाला दो। इन्हें भी मैं सबको अलग अलग पोलिथीन में रख रही हूँ ऐसे ही, जैसे किसी में दो हैं किसी में तीन रख दिए, जो जितनी बड़ी पोलिथीन है उसी के अकॉर्डिंग रख दूँगी।
इसमें मैंने रख दिए अपने सारे प्लाजो वाले सूट, गरम सूट, और इधर से दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सा सूट रखा है, तो मुझे आसानी होगी लेने में। अब इसमें मैं सारे अपने स्वेटर्स लगा दूंगी। मेरे पास कपड़े नहीं है और देखो कपड़ों की हालत, जब रखने पड़ते हैं ना तो तब पता चलता है कि कितने कपड़े हैं, और कहीं जाने लगो तो कपड़े नहीं हैं। नंबर भी नहीं आया आपकी बार सर्दियों में, इतने सारे स्वेटर जोड़ रखे हैं, बस स्वेटर स्वेटर। इस पूरे इतने बड़े बैग में मेरे स्वेटर हैं सारे। नेक्स्ट टाइम ना बिल्कुल नहीं खरीदूंगी। इसमें सारे पुराने स्टॉल हैं जो डेली में पहनने जाते हैं, ये इसमें मैं सारे गरम सूट रख दूंगी मेरे जो डेली वेयर के हैं। अब कुछ मैंने निकाल दिए हैं रेनू को देने के लिए, जो मुझे लगा कि मैं नहीं पहनूंगी नेक्स्ट ईयर, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये मैंने ठंडे भी लगा दिए, इसमें से बहुत कपड़े ऐसे हैं जो रेनू को जाएंगे। अब इसमें मैं लगा रही हूँ जो मेरे बाहर जाने के कपड़े हैं, बाहर से मतलब कुर्तियाँ वगैरह थोड़ी सी, जो घर में कम पहनती हूँ, बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो एक बैग में लगा के मैं इन्हें ऊपर रख दूँगी, क्योंकि फिर सारे में से हिलते रहते हैं तो बिखर ही जाते हैं बार बार। ये एक टॉप है बड़ा प्यारा सा, इसमें उन नए सूट रख रही हूँ जो अभी स्टिच नहीं हुए हैं, तो इन्हें भी एक साथ रख देती हूँ, यही रखे थे बैग में ही। देखो ये अलमारी तैयार हो गई है, मैंने हटा दिए हैं कपड़े, ये रेनू को देने के लिए रख दिए हैं, और इधर ये पन्नियाँ एक्स्ट्रा रखी हैं। आइए अब मैं इसमें ब्लेजर वगैरह टांगते हैं, तो इसको भी थोड़ा ठीक करूँगी अलमारी को। ये जिस आपके पास अगर कवर नहीं है तो बड़ी पन्नियाँ होती हैं, आप उनमें ऐसे कोट को डालें और ऊपर से भी पिनअप कर दें और नीचे से भी। मेरे पास कवर कम पड़ रहे थे तो देखो मैंने ऐसे ही कर दिया है, तो इसमें धूल भी नहीं लगेगी और कवर का काम हो गया आपका। ठीक है, इस तरह आप भी कर दें। इस कवर में मैं दो जैकेट टांग दूंगी, एक ये और एक ये, दो ही इस पन्नी में भी दो ही कोट हैं। देखो बच्चों के रूम की हालत, इसमें कपड़े अबे के, पायल के, साहब के, सब के हैं। अभी मुझे ठंडे निकालने हैं और गरम रखने हैं वापस सभी के। पायल की सेप देखो आप, देखो किस तरह भरी पड़ी है, कपड़े 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 कपड़े।
खुद वो रखेगी नहीं, मेरे को ही रखने हैं सारे। अब मैं फटाफट करती हूँ काम को, देखो थोड़ा तेज़ी सी से कर रही हूँ, जल्दी जल्दी करना है, बहुत कपड़े हैं रखने के लिए, मुझे कई घंटे लग गए इस काम में। देखो मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं बैग में, देखो पायल की सेप, अब ठंडे लगा दिए हैं। पायल के पास इतने कपड़े हैं कि आप ठंडे लगा लो या गर्म लगा लो, सेप भरी ही रहती है उसकी। और नीचे अभे के हैं, और ये देखो ये सारे बैग्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये गरम चादरें हैं, ये भी ऊपर ही जाएंगी, ये जैकेट्स भी ऊपर जाएंगी, ये सब मैंने यहाँ रख दिए हैं, जब ऊपर जाएंगे तब लगाते हैं। देखो टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, और मैं सुबह से लग रही हूँ इस काम में। ये देखो मैंने कपड़े से खुद ही बना रखा है ये बैग, इसमें 2 रजाई एक साथ आ जाती हैं अच्छी, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि रजाइयों को भी कवर करके रखूँ। ये बैग नीचे से यहीं ला कर रख लिए, तो अभी मैं ला के यहाँ पे रख रही हूँ बेड में। मेहनत का काम है बहुत, लेकिन करना तो है ही। चलो मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही बैग में पैक कर करके रखी हैं, कंबल भी एक बैग में, मतलब सब बैग में ही रखा है ताकि सब ठीक रहे। रखी हैं मैंने पहले से ही, इसमें उसकी गोलियां डाल रखी हैं कपूर की। बैग्स में मैं नहीं रखती हूँ कि फिर ज़्यादा स्मेल आती है, बेड में ही डाल देती हूँ, जो कपड़ा बिछा रखा है उसके नीचे पड़ी हैं, तो इसलिए वो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो आप भी ऐसे ही तब भी डालें तो डायरेक्ट कपड़ों में मत डालें, बदबू हो जाती है कपड़ों में फिर। देखो मेरा काम यहाँ का तो, बेड का तो ख़त्म हो गया है, अब बाकी थोड़ा सा बचा है, बस जैकेट्स वगैरह रखनी है और कंबल रखने हैं अलमारी में। जो जैकेट्स वगैरह रखी हैं और नीचे अभी बची हुई हैं वो मैं यहाँ रखूँगी। ये ट्रंक हैं 2, इन ट्रंक्स में रखनी है वो, क्योंकि ना फिर फोल्ड है, डबल फोल्ड है उनका, तो वैसे सीधी सीधी रखी रहती हैं इसमें, तो अभी मुझे इतने नीचे उतार के इसमें तब रखना पड़ेगा। इसमें अभी हैं 2-3 जैकेट्स और हैं, मैं इसको नीचे उतार के इसमें रख दूँगी, और ऊपर वाले में तो वहीं पर रख दूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा वजन है। बस मेरा दिन ऐसे ही बीता, मैंने ऐसे ही कैरी किए अपने सारे सर्दियों के कपड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, और सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप बताएं कमेंट करके कि आपने कैसे अपना काम निपटाया। बस मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, फिर मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते सभी को, बाय बाय। बस मेरा काम ख़त्म होने वाला ही है, बाय बाय।